सर तन से जुदा कर देने की धमकी के बाद दरभंगा में हड़कंप मच गया था। जी हां, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को पूरे परिवार के साथ सर तन से जुदा कर देने की धमकी दी गई थी, जिसमें प्रशासन ने बड़ा रुख अपनाया है। पत्र में एक कर्मी को स्थानांतरित करने नहीं तो पूरे परिवार को सर तन से जुदा करने की धमकी मिली थी, पत्र की लिखावट पर संदेह। जी हां, LNMU के रसायन विभाग के हेड प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा को पूरे परिवार सहित सर तन से जुदा करने की धमकी के बाद प्रशासन के सहयोग से पीड़ित प्रोफेसर संतुष्ट है। इस बाबत पीड़ित प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने कहा कि मुझे एक पत्र मिला था जिसमें एक कर्मी के तबादले के साथ कुछ आरोप लगे थे, नहीं मानने पर पूरे परिवार को सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई थी। इस घटना में मैं और मेरा पूरा परिवार काफी सहम गए थे, लेकिन प्रशासन ने काफी राहत दी है। मैंने इस बाबत कुलपति, कुल सचिव एवं थाना को आवेदन दिया था, जा करके खुद से ही। उसके बाद IG सर ने आवेदन देने से पूर्व मुझे ही फोन कर पूरा भरोसा दिया था। जब प्रशासन ने मुझे एक बॉडीगार्ड उपलब्ध करा दी है, साथ ही वे जिस तरीके से जांच कर रहे हैं उससे मुझे पूरा भरोसा है कि वे जल्द पूरा मामले का उद्भेदन कर लेगा। कल क्रिस्टर डाक से चिट्ठी आई थी 4 बजे, उसमें लिखा हुआ था कि आपका सर जुदा कर दिया जाएगा तन से, और पूरे परिवार का कभी भी किया जा सकता है, जिहादी लोग करेंगे, अल्लाह का हुक्म है। और कारण बताया, मेरे पास कोई कंप्लेन मेरे लिए नहीं था, कारण बताया गया था कि आप सस्ते खर्चा का ट्रांसफ़र करवा दीजिए, जो मेरे हाथ में है नहीं। तो मैं तो बहुत डर गया था और मेरे परिवार के लोग बहुत डरे हुए हैं, तो मैंने तुरंत एक पत्र लिखा, अपने कुलपति जी को दिया, कुल सचिव को दिया और थाना को भेज दिया, और फिर उसकी कॉपी SSP साहब को और IG साहब को भेज दिए हैं। लेकिन हमारे भेजने से पहले ही IG साहब ने स्वतः संज्ञान लिया और उन्होंने हमको फ़ोन किया था और आश्वस्त किया था कि आप चिंता नहीं करिए, हम लोग काम कर रहे हैं, आप सब निश्चिंत रहिएगा। और उसके तुरंत बाद DSP अमित कुमार जी आ गए थे, वो यहाँ बहुत देर तक रहे हैं, सब लोगों से पूछताछ की है और वो कर रहे हैं अनुसंधान। उनका जो विचार था उसमें मुझे लगा कि वो लोग पता कर लेंगे, और मुझे एक बॉडीगार्ड भी दे दिया गया है, तो मैं अभी सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि दरभंगा पुलिस बहुत सक्रिय है और शीघ्र ही इसका निराकरण हो जाएगा। मामला ये है कि कल बाई स्पीड पोस्ट इनके कार्यालय में एक पत्र आया है, कोई फ़ोन वगैरह नहीं किया गया, एक पत्र आया है कि विभागीय कुछ मामले हैं, किसी के ट्रांसफ़र वगैरह का इशू है, उससे रिलेटेड धमकी दी गई है, उसके संबंध में पत्र आया है, उसकी छानबीन की जा रही है। पत्र में क्या लिखा है सर? कुछ पुराने मामलों का जिक्र है जो इनके कार्यकाल के पहले का है, काफ़ी पुराने 95 का इश्यूज़ है, जैसा बता रहे हैं सर, 1995 वगैरह का इश्यूज़ है, उसके संदर्भ में उसी को और एलैबोरेट करते हुए कुछ इश्यूज़ बताया गया है। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कहा गया है, तत्कालीन एक प्रोफेसर हैं, उनके लैब डेमोस्ट्रेटर वगैरह हैं, उनके ट्रांसफर वगैरह का इश्यूज़ बताया जा रहा है। सर ये बताइए कि जिस तरह से अभी जिहाद का मामला चल रहा है, उस मामले में ये लोग जिहादी लोगों ने जिस तरह से पत्र लिखा है, क्या देखिए ये अभी प्रमाणिक नहीं हुआ है कि पत्र जिहादी ने लिखा है, एक शब्दावली से उतने बड़े कंक्लूजन पर हम लोग अराइव नहीं कर सकते हैं, अभी छानबीन का विषय है। जिस तरह से उन्होंने लिखा कि महिलाओं को आप तंग करते थे, मुस्लिम महिलाओं को नाम लिया है, मुस्लिम महिलाओं को, लड़कियों को आप तंग करते हैं, और आपने एग्जाम के समय किताब छीन ली, तो कहीं ना कहीं सर इंडिकेट और सारा उसको सबूत पता है, पता है, लेकिन ये एक स्टूडेंट का मिस्टेक भी हो सकता है, कोई गंभीर मामला भी हो सकता है, जिहादी मामला भी होता है, कुछ भी हो सकता है, इस पर जांच के बाद ही कुछ कहना उचित रहेगा। अच्छा, अभी सर आपने प्रोफेसर से बात की है, कैसा आपको लगा, रहा उन्हें क्या उन्हें आपने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन ये दिया है कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और हम लोग जल्द ही जल्द मामले का उद्भेदन करेंगे, सुलझाएंगे। क्या उन्हें गार्ड वगैरह का भी इन्होंने मांग की है प्रशासन से? हम लोग इनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, गार्ड दिया जाएगा। तो कितना गंभीर मामला अगर ये होता तो कितना गंभीर मामला है ये जांच के बाद पता चलेगा, इसके पीछे कौन लोग हैं जो पुराने समय की घटना की जानकारी रखते हैं और उसको जोड़ते हुए उन्होंने पत्र बनाया है, तो ये सब जांच का विषय